नमस्कार, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक बाइक को लेकर आया हूँ। देखो, इस बाइक में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी माइलेज बहुत ही जबरदस्त है, और खास बात ये है कि ये 20 मिनट में 80% चार्ज होती है। मेन तो ये बात है। अब आप पूछोगे कि इसका माइलेज कितना है, तो इसका माइलेज है 720 किलोमीटर। जी हाँ, 20 मिनट के चार्ज पर 720 किलोमीटर चलेगा। और आप बोलोगे कि इसके फीचर्स तो बहुत बढ़िया होगा, फीचर्स के बारे में थोड़ा बताओ। तो भैया, इसका फीचर्स बहुत ही जबरदस्त है। इसके फीचर्स के जैसा कोई बाइक वाला ऐसा फीचर्स नहीं दिया है। ये फीचर्स कारों वाला फीचर्स है। जो कार में दिया जाता है फीचर्स, वो फीचर्स इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक में दिया गया है। चलिए मैं आपको इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक की पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये विदेशी कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। ये थाईलैंड की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है स्मार्ट टेक। और जो बाइक के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, उस बाइक का नाम है फेलो टुज। जी हाँ, फेलो टुज इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल। अब हम इसके फीचर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। साइज में काफी बहुत बड़ी भारी भड़कम गाड़ी है, और फेलो टुज में कुशनिंग सीट दिया गया है जिस पर आराम से दो लोग बैठ सकते हैं। पीछे बैठने वाला पिलन राइडर को बैक सपोर्ट भी मिलता है, यानी पीछे जो ये सामने दिया गया है ये आपको सपोर्ट करेगा, पीछे से पकड़े रहेगा। आप देख सकते हैं इस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बराबर आपको। और इस इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 12 इंची का TFD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें बाइक के रेंज, बैटरी स्पीड और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की जानकारी मिलती है। देखो भाई, फीचर्स के मामले में ये बाइक काफी आगे है। इसमें सेफ्टी के लिहाज में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS 360 डिग्री व्यू कैमरा और राउंडर स्पीकर सिस्टम भी दिया गया है। और इसके अलावा इसमें 8 लीटर का कूलिंग बॉक्स भी मिलता है। इस बाइक में व्हीकल्स टू लोड V2L सिस्टम भी दिया गया है, यानी कि इसकी बैटरी से आप दूसरे डिवाइसेज भी चला सकते हैं। इस तरह का एडवांस फीचर्स इस मोटरसाइकिल में दिया गया है। जिस ड्राइविंग रेंज का दावा किया जा रहा है, वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कारों में देखने को मिलता है। चलिए हम कीमत के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कीमत इंडिया में कितनी होने वाली है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में फिलहाल फेलो टुज इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमत की घोषणा नहीं की गई है। ये बाइक हाल ही में थाईलैंड में लॉन्च हुई है और वहाँ इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में फेलो टुज की कीमत 3.5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है, अगर इंडिया में आई तो। तो इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए, नए नए वेरिएंट की जानकारी प्राप्त करने के लिए EV ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।